दोस्तों, जब भी आप कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफॉल्ट कर देते हो तो उसके बाद बैक टू बैक आपने देखा होगा काफ़ी सारा जो है लीगल नोटिस आता है। चाहे यहाँ पे मैं कंसीलिएशन नोटिस की बात करूँ या फिर लोन रिकॉल नोटिस की बात करूँ या फिर 13/2 का या फिर सरफेसी एक्ट का या फिर अदर टाइप का नोटिस, जैसे कि हो गया आपका चेक बाउंस का केसेस हो गया या फिर ECS बाउंस का केसेस का लीगल नोटिस, तो इस टाइप का बहुत सारा लीगल नोटिस आता होगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा तो यहाँ पे क्वेश्चन ये जगता है कि अगर आपका लोन काफ़ी दिनों से लेट है या फिर काफ़ी दिनों से अगर आपने पेमेंट नहीं किया, हो सकता है आपको 2 साल 3 साल 4 साल से आपने पेमेंट नहीं किया, बार बार आपके पास रिकवरी वाला का कॉल वगैरह आता है, तो उस सिनेरियो में ऐसा कितना दिन का जो है समय मैक्सिमम होता है जहां पे आपका लीगल एक्शन होने का संभावना रहता है, आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हो नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो का अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। बेसिकली जो है लीगल नोटिस का एक समय सीमा या फिर टाइम फ्रेम होता है। चाहे आप लोन रिकॉल नोटिस की बात करें, ये जो लीगल नोटिस होता है ये होता है कि आपका EMI अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो EMI का फैसिलिटी है वो आपको बंद कर दिया जाएगा, मतलब आपको एक साथ पूरा आउटस्टैंडिंग चुकाना पड़ेगा, जिसको लोन रिकॉल नोटिस या फिर LRN बोला जाता है। सिमिलरली कैंसिलेशन नोटिस ये होता है कि आपको बुलाया जाता है कि कंपनी के द्वारा एक हायर किया हुआ एक वकील के पास, जहाँ पे जाके आप वकील से बात करके आप अपना आउटस्टैंडिंग पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों, आर्बिट्रेशन नोटिस बोलिए या फिर आपके लोक अदालत के नोटिस बोलिए, यहाँ पे भी आपको जो है सेटलमेंट के लिए ही बेसिकली बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा काफ़ी सारा लीगल नोटिस होता है जहाँ पे आपके ऊपर जो है सिविल केस से छोड़ के आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का चालू हो सकता है, ऐसा भी लीगल नोटिस आ सकता है। और दोस्तों, कुछ कुछ केस में जहाँ पे आपने कोई सिक्योर लोन लिया है, जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी को बेचने का या फिर नीलाम करने का भी नोटिस आ सकता है, तो उस सिनेरियो में मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप 3 से 6 महीने तक EMI मिस कर देते हो तो सिक्योर लोन सिनेरियो में आपको सरफेसी एक्ट लागू हो जाता है, जहाँ पे आपका लोन को जो है डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाता है, प्लस सरफेसी एक्ट के तहत आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचने का जो है कार्रवाई किया जाता है, जिसके तहत आपके पास एक फ्री लुक नोटिस आता है 13/2 का, जिसमें आपको 2 महीने तक का मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, उसके बाद ही आपका जो है प्रॉपर्टी वगैरह नीलाम हो जाता है। लेकिन अदर अगर मैं बात करूँ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, जहाँ पे 420C धोखाधड़ी का केस या फिर ECS बाउंस का केसेस, जहाँ पे अगर आप बार बार रिप्लाई नहीं करते हो तो उस सिनेरियो में डायरेक्टली कुछ जो है कार्रवाई नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आपके पास ECS बाउंस या फिर चेक बाउंस का केसेस का लीगल नोटिस आता है और बार बार उसको अगर आप इग्नोर करते हो, उस सिनेरियो में आप अदालत का अवमानना कर रहे हो, इस तरीके से आपके ऊपर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू हो सकता है। तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है कि कितने दिन बाद लीगल नोटिस आपको भेज सकता है, ये आपको मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। ये हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद भी जो है भेज सकता है, अगर उनके पास कोई चेक है वो कभी भी आपका चेक को बाउंस करा के आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है अगर वो चाहे तो। और ECS बाउंस का केसेस में बता देना चाहूँगा, जब भी आप ECS का फॉर्म साइन करते हो तो वहाँ पे ये लोग ने 5 साल 10 साल का जो है ये लोगों का जो ECS कब तक हिट होगा उसका समय सीमा ये लोग जो है निर्धारित कर लेता है, तो उस बीच में कभी भी ये लोग ECS का हिट करा के बाउंस करा के भेज सकता है लीगल नोटिस। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा, रियलिटी में 99.99% सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है, वो लोग आपको भले ही भेजते होंगे लीगल नोटिस, अगर आप उसको रिप्लाई कर देते हो कोई भी लोकल वकील से तो ऐसा कोई नौबत ही नहीं आएगा। सेकेंडरी बात होता है कि वो लोग इसीलिए ये भेजते हैं कि आपको मनोवैज्ञानिक दबाव देके आपसे पैसा वसूल करना, और एंड ऑफ द डे वो लोग जो है सेटलमेंट पे ही उतर आते हैं। अगर आपका काफ़ी लंबे समय से आपका अगर पेंडिंग है पेमेंट, तो उस सिनेरियो में एक ही रास्ता बचता है जो कि सेटलमेंट। सो एंड ऑफ द डे घुमा फिरा के सेटलमेंट करने के लिए आपको बोला जाता है, अगर आपको अनसिक्योर लोन वगैरह है तो। सो आई होप दोस्तों, आपका भी क्लियर हो चुका होगा कि लीगल नोटिस भेजने का ऐसा कोई समय सीमा नहीं होता है, जो मैंने बताया उसी हिसाब से आपको जो है लीगल नोटिस भेजा जाता है।